आई एम मोतीलाल जैन, चेयरमैन ऑफ नमीश्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस मंत्रा मॉल एंड मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स. दिस इज 7,700 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड एंड 1,80,000 स्क्वायर फीट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग एरिया विथ फूड कोर्ट, सिनेमा थिएटर. द यूनिकनेस ऑफ दिस मॉल इज इट इज़ कन्वीनियंटली लोकेटेड बिटवीन द ओल्ड सिटी एंड न्यू सिटी एंड वेरी वेल कनेक्टेड विथ ऑल रोड्स. इट इज़ सिचुएटेड ऑन इनर रिंग रोड विच कनेक्ट्स फ्रॉम मेहदीपट्टनम हाईटेक सिटी टुवर्ड्स एयरपोर्ट. यू कैन रीच फ्रॉम सिटी सेंटर टू दिस प्लेस विद इन 15-20 मिनट्स. नेक्स्ट बेस्ट इज इट इज़ नियरेस्ट टू द बिजनेस हब लाइक बेगम बाजार, उस्मानगंज एंड ऑल दीज थिंग्स. इट इज़ अ वेरी नियरेस्ट प्लेस. So people can come here and enjoy the entertainment and shopping area here. And best one more thing is that this mall has generated about 475 employment to the people who are 8th, 10th and 12th pass. And all here, 80% of the employees here are localites. So we have proud to say that this has generated a lot of employment. And I can say, the old city people who are deprived of these facilities like mall and AC culture and mall culture, cinema culture, like multiplex culture, because most of the malls in Hyderabad, about 9 malls which were constructed, they are all situated in the high-tech city area or Khairtabad ITA, Khairtabad IMAX area. But nobody has thought of old city area, and old city people always cannot travel to the new city area or high-tech city area because it's far away place. So this area, janal ki, especially middle class population ki, chala convenient ka unai. 3-4-5 kilometers chala colonies unai, old city area connected unai, new city area connected unai. So they will definitely enjoy this facility. Very reasonably priced all these things, the goods are there. Like we have Pantaloons, which is having goods from 100 rupees to 1000 rupees, like Max from 99 to 1000 rupees. Santro, very good brand with shoes, chappal, lady chappal. Then we have other brand like McDonald's, which is very favorite with the middle class and general public who can walk in and have 100 rupees, a meal in 100 rupees. And then we have conveniently placed a food court here. About 20 kiosks will come with Chinese, North Indian, South Indian. Then starters, ice cream parlor, cafe coffee day, Baskin Robinson, then Frankie's, all the middle class brands are there which offer at very reasonable price all goods. Then I see a very good children's play center. I see a lot of people coming with their small kids and school going kids, and their faces when I see, then they enter here. बहुत हंसते खुसते बच्चे सब आते हैं और माँ बाप को ऐसा उंगली पकड़ के खींच के ले जाते हैं कि नहीं ऊपर चलिए ऊपर चलिए, हमको गेम खेलना है. और जब माँ बाप घंटा आधा घंटा खेलने के बाद जब उनको बाहर लेके जाते हैं तो बच्चा रोते रहता है कि नहीं नहीं मुझे और आधा घंटा खेलना है, 10 मिनट खेलना है. तो ये देख कर हमें बहुत खुशी होती है कि रियली पब्लिक जो है इंजॉय कर रही है. थोड़ा मुझे लगता है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों के पास पैसा कुछ कम हुआ है, पिछले एक महीने से कुछ बिजनेस में गिरावट आई है. और क्योंकि काफ़ी लोग कैश में परचेज़ करते थे, काफ़ी लोगों के पास कैश ही रहता था, और टिपिकली क्योंकि ओल्ड सिटी के लोग जो है कैश ही में ही डील करते थे, तो थोड़ा एक महीने तक इसका इफेक्ट रहा. लेकिन मुझे लगता है कि अगले 15 दिन महीने में ये सब मार्केट सेटल हो जाएगा. थोड़ा थोड़ा मार्केट इम्प्रूव हो रहा है और ये अच्छा सेटल हो जाएगा और लोग जो है यहाँ पर डेफिनेट इन्जॉय करेंगे. और मुझे खुशी है कि मैं ओल्ड सिटी के लोगों के लिए, ओल्ड सिटी की जनता के लिए, ओल्ड सिटी की पॉपुलेशन के लिए एक अच्छी रीजनेबली प्राइस और रीजनेबली साइज, बहुत बड़ा मॉल अगर बनाऊं और समझो यहाँ नहीं चले तो भी मुश्किल है, लेकिन हमने रीजनेबली साइज़ का मॉल जो 1,80,000 स्क्वायर फीट का मॉल है जहाँ सभी ब्रांड आ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इस मॉल को अच्छा इन्जॉय करेंगे. और यहाँ पर वीकेंड्स में काफ़ी भीड़ रहेगी. सिनेमा जो है सिनेपोलिस, जो दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है, जिनके पूरे ऑल वर्ल्ड में उनके 5,000 स्क्रीन चलते हैं, और हैदराबाद का इनका तीसरा ये मल्टीप्लेक्स है. पहला मंजीरा मॉल में था, दूसरा मलकाजगिरी में था, और ये तीसरा उनका मल्टीप्लेक्स चालू हुआ है.
और उन्होंने जिस तरह से ऊपर चौथे मंजिल पे मल्टीप्लेक्स प्लान किया है, मैं समझता हूँ हैदराबाद के शायद ही एक दो सिनेमा कॉम्प्लेक्स होंगे जहाँ पे इतनी खूबसूरती से और इतना सजावट और इतना ब्यूटीफुली उसको उन्होंने तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे और उसकी काफ़ी सराहना करेंगे और लोग पसंद करेंगे इसको। तो ऐसा उन्होंने एक क्रिएशन किया है, उन्होंने काफ़ी पैसा खर्चा किया और इस चीज़ को बनाने के लिए कि अगले 21 साल तक, हमारा 21 साल का एग्रीमेंट है, तो 21 साल तक का यहाँ ओल्ड सिटी के लोग काफ़ी इसको एंजॉय करेंगे। सिनेपोलिस शायद कल से ओपन हो जाए, अगर कल नहीं हुआ तो मंडे से डेफिनेट इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक, वेयर दे कैन एंजॉय ऑल मूवीज, ऑल लेटेस्ट मूवीज विल बी इंक्रीज इंक्लूडिंग विल बी स्क्रीन इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, सभी मूवीज़ यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन पब्लिक है, मुस्लिम लोग भी हैं, हिंदू लोग भी हैं, सभी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो मुझे उम्मीद है हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु मूवीज़ बहुत अच्छा चलेंगे यहाँ पे। शायद कल सुबह से चालू हो जाए, अगर कल नहीं हुआ तो परसों सुबह से डेफिनेट चालू हो जाएगा। फ्यूचर प्लान्स, हमें बाहर बाजू में भी हमारा ज़मीन है, तो वहाँ पे हम अभी 2 साल के बाद इसको एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं, तो शायद उसमें 4 और सिनेमा ऐड हो सकते हैं, 6+4=10 विल बी, बट इट इज़ 2-2.5 ईयर्स अवे।